वो लाल रंग की साड़ी दिखाइएगा। अमित जी, ये परी ब्यूटी पार्लर मोहित है, एमली चलाती है। वो राठी मिस्टर मंडार अपने राम राम सूरज भैया। ये राम राम काका। सूरज बेटा क्या हाल चाल है जी? ठाकुर जी की कृपा है। इनको कहीं देखा नहीं, मेहमान है क्या? जी जी, ये एक खास मेहमान है अपने। क्या नाम है उनका? अमित। अमित सूरज भैया, अब वो इंतजार कर रही होगी। चले हाँ तू चल, मैं आइए। ये वही लड़का है जिसके बारे में मोहित ने बात की थी। देखने में तो खानदानी लगता है, बोल चलन स्वभाव सब अच्छा है। वैसे मुझे कैसा लगा? हाँ भैया अच्छा ही होगा, लेकिन उससे मुझे क्या। और वैसे भी मुझे समझदार नहीं लगता, क्योंकि अगर ये समझदार होता तो ये मीना जैसी औरत को मिलने नहीं आता। खैर भैया अब मुझे क्या। हाँ सही कहा तुमने, तो मैं चलता हूँ घर। वो कहना कि खास मेहमान है, भाबू ने कहा है कि खातर तवाजा करने तो बनती है ना। तू चलेगा क्या? नहीं नहीं रहने दे, वैसे भी कस्टमर है और लड़का भी ना है, और ऊपर से अगर अमित ने पूछ लिया कि ये कौन है तो मैं क्या बोलूँगा, फालतू में फंस जाएंगे। नया नया काम है। सूरज बाबू की आवाज आ रही है। मुझे क्या लेना देना, मारे लिए तो हमारी ये दुकान ही काफी है। भाई साहब साड़ी दिखाइए ना। अब जी नहीं, मुझे कोई और लाल वाली दिखाइए साड़ी। भाई साहब, ओ भाई साहब, मैंने कहा कोई और साड़ी दिखाइए लाल रंग में। जी हाँ, वो क्या है ना कि नया माल आया, वो घर पे पड़ा है, मैं अभी जाके लेके आता हूँ। ठीक ठीक, अब ये देखिए। अच्छा अमित जी, सब कुछ तो आपके सामने ही है, आप बताओ आपने हमारी मीनाक्षी कैसे लगी? कैसी लगी बेटा? जी आंटी जी, मैंने नेट पे देख चुका हूँ, और जो भी इनके बारे में मैंने सुना है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी हैं ये। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो सब ठीक है, पर आपसे ना कुछ भी बात छुपानी ना है। मीनाक्षी को ना दूजो ब्याह हो रहा है। हाँ मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं, वैसे भी मैं खुद अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुका हूँ, जिसके नाते हम दोनों एक दूसरे की भावनाएं समझ सकते हैं। बेटा एक मुद्दे वाली बात, मीना को एक बेटी है। हाँ लेकिन इनको देख के लगता नहीं है कि ये बच्चे की माँ हो सकती है। पर एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मीना जो है वो बड़ी शरारती है। फिर बाद में शिकायत होनी नहीं चाहिए कि बताया ही कोनी। अच्छा किया बाबा साहब ने बता दिया, रोज कोई ना कोई नया कांड करती रहती है, और ऐसी औरत से कौन शादी करना चाहेगा। सच का ये तो मुझे भी एक ऐसी जीवन साथी की तलाश है जो मेरे घर और आंगन में आए और बहुत सी खुशहाली बढ़ाए, ना कि एक ऐसी पत्नी जो कि घूंघट ओढ़े दिन रात 24 घंटे किचन में लगी रहे। अमित जी एक खास गुण बताना तो आपको भूल ही गए मीनाक्षी का, ये पाठ पूजा में बड़ा बड़ा विश्वास रखे है।
वो जो अपने पहाड़ी वाले बाबा है ना, उसकी तो बहुत बड़ी भगत है। क्या पहाड़ी वाली बाबा की भगत? हाँ। और मैं बोलूंगा तो आप शायद मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन इनका एक एक गुण मेरी पसंद बनता जा रहा है। बढ़िया है छोरा, बढ़िया है। भाबो, आराम से। ज्यादा हो रहा है कि छोरा? मेरी माँ है ना, वो पहाड़ी वाली बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। क्या बात कर रहे हैं? इनको देख के लगता है कि मेरी माँ और इनमें अच्छी जमने वाली है। और ये बात जान के मुझे बड़ी खुशी हुई। बैठो ना, बैठो 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 जी बैठो। बड़ा अच्छा लगा कि आप ना खुले दिल के हो। अब जे भी बता दो कि कब रिश्ता करना है, जैया भी आप बोलोगा, हम तो तैयार ही बैठे हैं। जी मैं बहुत जल्दी ही अपने परिवार वालों के साथ में आ जाऊंगा और जो सगाई की रस्में हैं वो पूरी कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। जीत जी, जो हम लोग सोच रहे हैं उससे अगर उल्टा हुआ तो क्या होगा? मीनाक्षी तुम हिम्मत मत हारो। विक्रम बचेरा साफ साफ कह रहा था कि इन सब चीजों का उस पर बहुत असर हो रहा है और मुझे यकीन है कि विक्रम खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के ये बोलेगा कि मीनाक्षी मुझे तुम्हारा दूसरा ब्याह नहीं करवाना। मीना बिंदनी, तू चिंता को नहीं कर, तू बस अपने प्रेम पर भरोसा रख, बाकी हम हैं ना सास ससुर बैठे हुए। बाबा साहब, उसी भरोसे के साथ तो मैं इनका इंतजार कर रही हूँ कि वो मुझे दोबारा अपना लेंगे। संध्या जी, सूरज जी, मुझे आपकी जरूरत है। क्या क्या हुआ? मैं परेशान लग रही है, क्या हुआ? सब ठीक था ना? मैं ठीक हूँ सूरज जी, पर साकिर। क्या हुआ उनको? साकिर को लकवा मार गया है। अब वहीं पे रुकिए, मैं आता हूँ संध्या जी। प्लीज जल्दी आ जाइए सूरज जी। के हो ये छोरा? अबो, वो संध्या का फोन आया था, बोल रहे थे कि जाकर जी के पूरे शरीर पे लकवा मार के। पूरी बात क्या है वहीं जाके पता चलेगा। संध्या बेनिनी तो ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है बाबू, बस थोड़ी परेशान सी लग रही थी। अबो मैं अस्पताल जाके आता हूँ। हाँ रुक, मैं भी चलूँ तेरे साथ। हाँ बाबू, हम सब साथ में ही चलते हैं। चल रे महाराज राम जी। रे प्रेमा जी, वो काई है, मैं लोग ना अस्पताल जा रही हूँ। तू ध्यान दिए जरा घर को। रे महाराज राम जी, अरे ध्यान रे, मिश्री ने सोई हुई है, उठे तो जिमा दिए। जी आप चिंता ना कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।